मिलावट के खिलाफ में ग्वालियर हाईकोर्ट की सख्ती पर प्रशासन हरकत में आया है। ग्वालियर में मिलावटी मसाला बनाने वाले कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। फूड विभाग के संभागीय दल ने दाल बाजार में संचालित हो रहे महामाया मसाला पिसवाई केंद्र पर छापा मारा। टीम ने मौके से लकड़ी का बुरादा और मिलावटी रंगों के साथ तैयार हो रही मिलावटी मसाले जब्त किए हैं। वहीं फूड विभाग ने सैंपल लेने के बाद मसाला केंद्र को सील कर दिया है। बता दें कि ग्वालियर का दाल बाजार अंचल का सबसे बड़ा खाद्यान्न के सामान का बाजार है। यहाँ की किसमिस बाली गली में बीते 13 सालों से महामाया मसाला केंद्र संचालित हो रहा था। यहाँ तैयार होने वाले मसाले ग्वालियर ही नहीं बल्कि अंचल के भिंड मुरैना समेत आसपास के जिलों में भी सप्लाई जाते हैं। टीम को यहाँ 500 किलो मिलावटी मसाला तैयार मिला है। ग्वालियर से योगेश मसारिया की रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संभागीय दल गठित किया गया है। ये दल के द्वारा यहाँ क्रिसमस वाली गली दाल बाजार में सूचना प्राप्त हुई थी कि मिर्च मसालों में मिलावट के लिए कुछ अपद्रव्य रखे हुए हैं। इस पर विभाग द्वारा दल द्वारा वहाँ जांच की गई थी। मौके पर यहाँ पिसाई केंद्र पर रंग रखे पाए गए थे और लकड़ी की टुकड़ी रखी पाई गई थी। रंग में लाल रंग था, हरा रंग था, ये समस्त मिर्च मसालों में मिलावट के लिए रखे पाए गए थे, जिनकी नियमानुसार कार्रवाई की गई है और उनको जब्त भी किया गया है और इसी आधार पर उनकी फरमाइश को भी सील्ड किया गया है।